यूएसए की यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम फॉरेन स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, पर क्या आपने नोटिस किया कि आज यूएसए की लार्जेस्ट टेक फर्म्स के सीईओस इंडियंस हैं, चाइनीज नहीं? क्यों? क्योंकि इन दोनों देशों के स्टूडेंट्स के बीच में देयर इज अ की डिफरेंस। 90% चाइनीज स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करके चाइना वापस लौट जाते हैं, वहीं मैक्सिमम इंडियंस पढ़ाई के बाद यूएसए में ही सेटल होने का सोचते हैं। और इसी का नतीजा है कि जहां यूएसए के पास 865 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, चाइना के पास 224, वहीं भारत ने सिर्फ 108 यूनिकॉर्न कंपनीज खड़ी की हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन्स तो यूएसए की यूनिकॉर्न्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। पैसा बर्बाद। 21st सेंचुरी में ये दोनों एशियन पावर्स के बीच में जबरदस्त राइवलरी होने वाली है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये बुक समरी कुकू एफएम में जरूर सुननी चाहिए। बोहो 50 कोड यूज करिए और ऐसी 10,000 से ज्यादा किताबें सिर्फ 199 में पूरे साल के लिए सुनिए।